हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अप्पे मेकर में ब्रेड की कटोरी चाट। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस। इनको हम किसी ग्लास से ऐसे ना हम इसको कट कर लेंगे बीच में से, सेंटर से, इस तरह से। इस तरह से हम सेंटर से काट लेंगे इनको, इस तरह से। ये इस तरह से ना काट करके हम इनको रख लेंगे। और उसके बाद मैं मसाला बना रही हूँ। एक उबला आलू, एक कटोरी मटर, एक कप मटर उबले हुए, प्याज कद्दूकस किया हुआ, टमाटर कद्दूकस किया हुआ, पनीर को हम क्रम्बल कर लेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद धनिया और गरम मसाला, पीसी अदरक पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़े से काजू, इनको भी हम कूट लेंगे, और हरी मिर्च, और ये स्वादानुसार नमक। ये सब हम मिला करके बहुत अच्छा सा मटेरियल अपना तैयार कर लेंगे फिलिंग का, ठीक है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद हम उसको अप्पे मेकर में सेक कर दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये प्याज मैंने जो एक बारी कद्दूकस करी थी, ग्रेटेड थी, इसको मैंने आधा डाला है, आधा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। इसी में मैं अपने ये कुटे हुए काजू डाल रही हूँ, और इसी में मैं अपना क्रम्बल किया हुआ ये पनीर डाल रही हूँ, और इसी में मैं अपनी ये एक बाउल मटर डाल रही हूँ, और इसी में ये मैं आलू डाल। अब हम इसको इस तरह से चला लें। फ्लेम फुल है मेरी। इसको हम ऐसे बनाएंगे मसाले को कि ये सिमटने लगे। अभी हम इसमें थोड़ी सी टोमेटो सॉस और चिली टोमेटो सॉस डालेंगे। ये मैंने मसाले जो आपको बताए थे, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, भुना जीरा और पिसी अदरक, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छे से इसमें मैं मिक्स कर। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। देखिए नमक हम कम डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, और हम जो चटनी ऊपर से डालेंगे इसमें, उसमें भी नमक होता है। तो अच्छे से इसको हम मसाले को बना देंगे। फ्लेम मैंने सिम कर दी है। ये नीचे थोड़ा थोड़ा सा इसका लग रहा है, पर ये कुरकुरा होकर ना ऊपर आ जाएगा सारा। बहुत बढ़िया, कुछ भी लग नहीं रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें अपने ये जो टमाटोज मैंने कट किए थे, इसका पानी निचोड़ के इसमें मैं डाल दूंगी। देखिए टमाटरों का पानी निचोड़ दिया। ये टमाटर हम गार्निशिंग में ऊपर यूज करेंगे बच्चे में थोड़े से, है ना। इसमें पानी बिल्कुल नहीं, देखे मैंने छोड़। सारा मसाला देखिए इसमें लिपट गया अच्छे से पानी। ये बड़ा स्टिकी सा अच्छा सा हो जाता है। ये मैंने डाली टमाटो चिली सॉस,
और थोड़ी सी मैंने डाली है टमाटो सॉस। आप टमाटो केचप भी यूज कर सकते हैं। एक टैंगी से अंदर फ्लेवर के लिए ये मैंने डाला है। ये बस देखिए, ये मसाला तैयार हो गया है तकरीबन हमारा। तो थोड़ा सा ऐसे खोल ऐसे फैला के मैं इसको रख दूंगी, जिससे इसका सारा ना पानी जो भी है वो सूख जाएगा। इसमें अब मैं थोड़ी सी ऊपर से हरी मिर्च डाल दूंगी, जो गलेगी नहीं, पूरी पकेगी नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा सा टेस्ट देगी। और अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रख दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, इसको मैं ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए। बस देखिए फ्रेंड्स, अप्पे मेकर को मैं इसमें अच्छे से इसको ग्रीस कर रही हूँ, पूरे को अप्पे मेकर को। और जैसे मैंने ब्रेड की कटोरियां रखी है ना, ऐसे हम बाकी की भी कटोरियां रख लेंगे। इस तरह से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। ग्लास से मैं इसके गोल ऐसे पीसेस काट लूंगी और इसको मैं यहाँ असेंबल। जब तक मेरा मसाला थोड़ा मॉइस्ट हो रहा है, उसको मैंने भाप में ही रखा है, ऑफ कर दी है मैंने फ्लेम। इस तरह से मैं इसको इसमें सबको सेट कर दूँ, इस तरह से ये। वैसे तो इसमें 12 बन जाते हैं, लेकिन मैं खाली 8 बनाऊंगी या 7 बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को 12 की जरूरत ही नहीं है, वो ज्यादा हो जाएंगे मेरे लिए। आप भी जैसे गैप छोड़कर बनाना चाहते हैं तो गैप छोड़कर बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे पूरी कटोरियां बन जाएंगी ऐसे करके। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती इसको फिट करने में, लगाने में। अभी मैं मसाला डालूंगी ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको करने में। तीन तीन 6 2 8 8 बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी पूरी फिलिंग्स बहुत अच्छे से भर देंगे, पूरा अच्छे से इसको हम फिल करेंगे। से हम फिल करेंगे सबको, और जैसे हम फिल करते हैं ना, तो ये बैठ जाएगा अपने आप नीचे। आपको ये टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि ये बैठ नहीं रहा है।
मसाला अभी भी गर्म है। देखिए फ्रेंड्स, ये अप्पे मेकर को मैंने इसमें रख दिया है फ्लेम पर। अभी मैंने फुल फ्लेम रखी है, इसको मैंने कवर कर दिया है और ये इसमें अंदर सिकेगा। अभी मैं इसको 2 मिनट बाद लो मीडियम फ्लेम पर कर दूंगी और ये धीरे धीरे सिकते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बन गए हैं। ये देखिए साइड से सिक गए हैं, करारे करारे हो गए नीचे से, अंदर से सॉफ्ट और टेंडर है। इनको अब मैं चाट असेंबल करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इनको अब हम बहुत गर्म है इसमें से निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर है, कटोरी जैसी सिकी हुई है ना। ये देखिए बहुत खूब गर्म है, एकदम खोलती हुई है। और इसमें क्या है, बहुत सारी अच्छे से हरी मिर्च, लाल मिर्च सब पड़ा है, तो इसमें ऊपर से ज्यादा आपको मसाला डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और क्या है, जब इसकी सर्विंग होती है तो अलग अलग उठा करके कोई भी अपनी प्लेट में आराम से इसको सर्व कर सकता है। आप इसकी सेल्फ सर्विंग कर रख सकते हैं, है ना। खूब क्रिस्पी है, इतनी क्रिस्प है, बढ़िया है। बस इसको मैंने डिमोल्ड कर दिया है। अब हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी। हरी चटनी भी हमारी नींबू की है, खट्टी है, मिर्च है, हरी मिर्च है इसमें चटनी में है खूब सारी। ये हमने चटनी कर दी सर इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मीठी मीठी इमली की चटनी। और ये भी क्या है, खट्टी मीठी चटनी है, घर की बनी हुई बहुत बढ़िया चटनी है। ये भी खट्टा मीठा इससे टेस्ट आएगा, अंदर सॉस का टेस्ट है, मिर्च का है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर है, खूब मिर्च है इसमें। अंदर डालिए, ऊपर से हम इसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं डालेंगे। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा सब पे टमाटर। देखिए इसका मैंने पूरा जो इसने पानी छोड़ा था, इसको पूरा मैंने इसके मिक्सचर में अंदर डाल दिया था, जिससे टमाटर का फ्लेवर भी है, पूरा टेस्ट भी है टमाटर का। आप इसमें गाजर चुकंदर भी डाल सकते हैं, कई लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरे यहाँ नहीं पसंद करते तो मैंने नहीं डाला है। गाजर तो फिर खा लेते हैं, लेकिन चुकंदर खिलाने में बड़ी परेशानी होती है, तो उसकी मैं डिशेस बना लेती हूँ चुकंदर से। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी प्याज कतरी हुई, बड़ी अमेजिंग लगती है ये चाट। और ये है कोकोनट दूध और नारियल, और थोड़ा सा इसमें है दही। बहुत बढ़िया मीठी मीठी चटनी है ये, इसमें चीनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें नारियल की मिठास है जो इस चाट में चार चांद लगा देती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चाट तैयार है, बिल्कुल बढ़िया सर्व करने के लिए। इसको हम साइड से इसको हम साफ कर देते हैं, इसको प्लेट को।
तो ये हमारी चाट बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत अंदर से टेंडर चटपटी सी ये चाट होती है। बहुत जल्दी तैयार होती है, 2 मिनट में तो ये अप्पा मेकर में तैयार हो जाती है। तो आप कभी भी बनाकर जल्दी से इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, अनूठी में विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आते रहिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। थैंक यू।